आज हम दिवाली स्पेशल अंजीर की बर्फी बनाएंगे, जिसे मैंने सिर्फ 10 मिनट में बिना घी और मावे के बनाया है। क्या आप भी एक्साइटेड हो ये रेसिपी सीखने के लिए? तो चलिए शुरू करें। अंजीर बर्फी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 8 से 10 अंजीर लिए हैं। गर्म पानी ऐड करके इसे 10 से 15 मिनट तक भिगने के लिए रखेंगे। अंजीर जब तक भिग के तैयार हो, तब तक हम बादाम और काजू का पाउडर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 8 से 10 बादाम और 8 से 10 काजू लिए हैं। इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। कुछ इस तरह से दरदरा पाउडर बनाएंगे, इसे साइड में रखेंगे। 10 से 15 मिनट में अंजीर बिक के तैयार है, इसे रफली चॉप कर लेंगे। मिक्सर जार में ऐड करके इसको भी दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। आगे की प्रोसेस के लिए एक कढ़ाई में 1/2 लीटर फुल फैट मिल्क ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अभी हम गैस की फ्लेम ऑन नहीं करेंगे, पहले दूध और मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध और मिल्क पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और दूध को बॉईल कर लेंगे। दूध बॉईल हो गया है, अभी हम इसमें जो हमने अंजीर की पेस्ट बनाई थी वो ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि दूध अच्छी तरह से बॉईल हो, फिर ही पेस्ट ऐड करें। दूध और अंजीर की पेस्ट को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से कुक करेंगे। कुछ ही देर में दूध अच्छा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जो ऐसे साइड में मलाई आए, उसे भी स्क्रैप आउट करते हुए दूध में ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे बर्फी तैयार होती जाएगी, इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे अंजीर की पेस्ट दूध में कुक होगी, दूध हल्का सा कर्डल होता जाएगा। हमें ऐसे लगेगा कि दूध फट गया है, पर ये स्टेज पे चिंता करने की बिल्कुल जरूर नहीं है। इससे हमारी दानेदार बर्फी बनके तैयार होती है। ये मिठाई की रेसिपी इतनी इजी है कि इससे कोई भी इजीली बना सकता है, क्योंकि हमें इसमें कोई चाशनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे दूध बॉईल होता जाए, हम इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करते जाएंगे। बर्फी तैयार हो रही है, इसे धीमी आंच पर चेंज होता जा रहा है, रख सकते हैं लाइट में। से जैसे जैसे दूध का पानी कलर हो गया है, इसे हम कंटिन्यूअसली मिक्स करते जाएंगे। जो हमने बादाम और काजू का पाउडर बनाया था वो ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो ये स्टेज पे आप 1 से 2 टीस्पून जितनी शुगर भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे इसमें बिल्कुल ही ज़रूर नहीं लग रही है। थोड़ा सा लस्टर और शाइन लाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जितना घी ऐड किया है। आप चाहे तो टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। कुछ सेकंड तक और इसे भूनेंगे। अंजीर बर्फी के लिए मिक्सचर बनके तैयार है। गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे सेट करने के लिए एक मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। मोल्ड को मैंने बटर पेपर से कवर कर लिया है। बटर पेपर यूज करने से मिठाई इजीली अनमोल्ड हो जाती है। अंजीर बर्फी को चांदी के वर्क से गार्निश कर लेंगे। बादाम और पिस्ता के कतरन से डेकोरेट करके इसे 1 से 2 घंटे तक फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। अंजीर बर्फी सेट हो गई है, इसे अनमोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया दानेदार अंजीर बर्फी बनके तैयार है। इसको पीसेस में कट करके सर्व कर लेंगे।